हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीप्ति। स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सालूज किचन एंड ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज मैं चम्मच से बनाने वाले आलू के पापड़ की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे बनते हैं। तो फ्रेंड्स, पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 कच्चे आलू लिए हैं, नमक लिया है, आधा चम्मच जीरा और कुटी लाल मिर्च ली है। आप चाहे तो हरी धनिया भी ले सकते हैं। पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू को छीलकर बारीक टुकड़ों में काट लेते हैं। यहाँ पर मैंने आलू को छीलकर और इस तरीके से बारीक टुकड़ों में काट लिया है। काटकर मैं नीचे 2-3 बार पानी से धो लिया है। अब इसे हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे हम इसे मिक्सर जार में डालेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, हमें बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका एकदम बारीक पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने आलू को एकदम बारीक पीस लिया है। अब गैस पे हम एक मोटे तले का बर्तन रखेंगे और यहाँ पे जो हमने आलू को पीसा है इसे किसी कप या कटोरी से नाप लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये 2 कटोरी है, तो हम इसका डबल पानी डालेंगे। 2 कटोरी आलू है तो हम इसमें 4 कटोरी पानी डालेंगे। और गैस के फ्लेम को ऑन कर देंगे। यहाँ पर मैंने गैस को ऑन कर दिया है और इसे अब हम चलाते रहेंगे। अभी ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा। अभी हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है और इसे चलाते रहना है। आप देख सकते हैं इसे पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं, ये काफी ज्यादा गाढ़ा हो गया है। और इसे चलाते हुए हम 20 मिनट तक पका लेंगे। आप देख सकते हैं ये पकने लगा है। इसे हमें चलाते रहना है और इसे हमें खुला ही पकाना है, इसे हमें ढकना नहीं है। यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं इसे पकाते हुए। आप देख सकते हैं ये काफी ज्यादा गाढ़ा भी हो गया है और इसका कलर भी हल्का चेंज हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, कुटी लाल मिर्च, जीरा। सारी चीज को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे बारीक कटी हरी धनिया भी डाल सकते हैं और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है, 5 मिनट के लिए हम इसे ठंडा होने देंगे।
यहाँ पे आलू के पापड़ सूख गए हैं, आप देख सकते हैं। अब इन्हें हम फ्राई करके दिखाते हैं। यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें हम पापड़ डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से पापड़ फूल रहे हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे बने हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग भी इसी तरीके से आलू के पापड़ को बनाएं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।